सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। कन्नौज जिले के बिसनगढ़ रोड नादनपुर पुलिया से लेकर नगला लक्ष्मण प्राथमिक विद्यालय तक सड़क की हालत इन दिनों जर्जर हो गई है। सड़क पर गाड़ी तो दूर, पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। स्कूल में पढ़ने वाले सैकड़ों विद्यार्थी स्कूल आने से कतराने लगे हैं। स्कूल आने जाने में उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी तो वो रास्ते में गिर भी जाते हैं। यही नहीं, यहाँ पढ़ाने आने वाले शिक्षकों को भी यहाँ पहुँचने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। लोगों ने मांग की है कि सरकार का ध्यान इस ओर होनी चाहिए। लोगों ने सरकार से पथ मरम्मति करने की मांग की है। नानपुरी पुलिया से लगा करके लक्ष्मण नगरा तक कोई सड़क का कोई साधन नहीं है। बच्चे पढ़ने आते हैं, बीच में विद्यालय है, विद्यालय लेके नहीं आ पाते हैं। कच्ची सड़क है, बड़ा परेशानी है, हर आदमी को परेशानी। क्या आज आपको भी दिक्कत हुई निकलने में? आज साइकिल का वन दिन तक साइकिल पढ़ेर खिलाए पैदल हाथ से। सरकार का कोई ध्यान नहीं है? सरकार का कोई ध्यान नहीं है आप लोगों की? हम लोगों को बहुत समस्या है। नानपुरी पुलिया से नंगला लक्ष्मणपुर तक कच्ची सड़क है, साइकिल जो है कतई जाम हो गई है कहेर के, और लजाए सड़क तक। अब बच्चे आते हैं, वे स्कूल नहीं आ पाते हैं। यही समस्या है, बहुत परेशानी है हम लोग। अरे कोई समस्या, विधायक कोई यहाँ तक आते ही नहीं, बहुत परेशानी है।